हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्वेता अपने यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा, एक नई सोच। तो बेसिकली ये वीडियो मैं उन मदर्स के लिए बना रही जो अपने बच्चों की पढ़ाई में होने वाले नुकसान की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि मेरे भी दो बच्चे हैं। मैं खुद समझ सकती हूँ कि बच्चों का कोविड की वजह से बहुत नुकसान हुआ है पढ़ाई में। तो मैं उन मदर्स को बताना चाहती हूँ कि देखिए, आप अपने बच्चों को मतलब हाइपर मत होइए बच्चों पर। मुझे पता है कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से इन दो सालों में बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं उन मदर्स को बताना चाहती हूँ, देखिए अपने बच्चों की मदर बनकर नहीं, आप उनकी दोस्त बनकर उनको पढ़ाई करवाइए। आप उनको अगर वो नहीं पढ़ना चाहता, आप उनसे फोर्स मत करिए। देखिए, अगर बच्चा ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा पढ़ाई ही कर रहा हो, क्योंकि बच्चे अक्सर कोविड की वजह से इतने पढ़ाई में इतने ढीले हो गए हैं कि उनका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप उनकी मदर बनकर नहीं, आप सबसे पहले उनकी दोस्त बनिए, फिर उनकी पढ़ाई पर उनको इंटरेस्ट दिखाइए। जैसे कि अगर बच्चा कह रहा है कि मम्मी मुझे अभी नहीं पढ़ना है, तो बच्चे से पूछिए कि अगर तुझे अभी नहीं पढ़ना है तुम्हें, तो आप कब पढ़ोगे? आप आधे घंटे बाद पढ़ोगे, एक घंटे बाद पढ़ोगे, कब पढ़ोगे? अगर बच्चा आपसे कहता है कि मम्मी मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं पक्का एक घंटे बाद पढ़ लूँगा, तो आप उसकी बात पर ट्रस्ट कीजिए और उसको एक घंटे बाद पढ़ने के लिए बिठाइए। उससे कहिए, तुमने कहा था, आपने कहा था कि आप एक घंटे बाद पढ़ोगे, तो आप पढ़ने के लिए बैठिए। तो बच्चा आपको कहेगा कि हाँ मम्मा, आपने कहा था मैं पढ़ने वाली। देखो बेटा, मैंने आपकी बात मानी ना, तो आपको मेरी बात माननी चाहिए ना। बच्चा कहेगा हाँ मम्मा, तो वो आपकी बात को समझेगा। लेकिन यही बात अगर आप उससे फोर्सफुली कहेंगे कि नहीं है, तुमको पढ़ना ही है, तुमको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, बहुत खर्चा हुआ है, बहुत फीस भरते हैं, तो ये चीज़ें बच्चों को जताने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत फीस भरते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब हम तुम्हारी फ़ीस भरते हैं। तो भैया, जाहिर सी बात है, बच्चा आपका है तो मेहनत आप ही को करनी है, फीस भी आप ही को भरनी है। तो आप बच्चे को ये मत जताइए कि हम खर्चा करते हैं इसलिए तुझे पढ़ना है। आपको ये बताना है कि बेटा, आज के टाइम में पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे तभी लोग तुम्हारी कदर करेंगे, तभी लोग तुम्हें समझेंगे। अगर तुम पढ़ोगे नहीं, तो ना ही तुमसे लोग बात करना पसंद करेंगे, ना ही तुम्हारी बात सुनेंगे, ना ही तुमको समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि तुमसे बटने की कोशिश करेंगे, तुमसे हटने की कोशिश करेंगे, तुमको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज के टाइम में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर ये बात आपके बच्चे के दिमाग में बैठ गई, तो पढ़ाई से भागेगा नहीं। आप बच्चों को वैसे नहीं पढ़ा सकते तो खेल खेल में पढ़ाइए। आप बच्चे से कहिए जैसे कि बेटा आप राइटिंग करिए। बच्चा अगर आपके राइटिंग करता, तो एक पेज राइटिंग मैं करूँगी, एक पेज राइटिंग तुम करो। अगर वो करता है तो ठीक है, कह रहा बेटा, फिर कहते चलो हम लोग रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा, तुम जीतोगे कि मैं जीतूंगा। वो कहता है कि मैं जीतूंगा, तो उससे कहिए ठीक है, अगर आप स्लो हो जाइए, बच्चा आपको खुद जल्दी जल्दी लिखेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जीत जाएगा। इसी तरीके से आप अपने बच्चे का पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे टाइटली कहेंगे, नहीं तुझे पढ़ना है, तेरा कोर्स बहुत ज़्यादा हो चुका है, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, मैडम तुम्हारी ये कहती हैं, मैडम तुम्हारी वो कहती हैं, तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो घबराएगा, और घबराहट में उसे याद नहीं होगा, वो सिर्फ रोएगा और पढ़ाई से भागेगा, कहेगा मम्मी के पास जाने का मतलब है कि पढ़ाई करना। तो मैं सभी मदर से यही कहूँगी कि देखिए, आप अपने बच्चों को खेल खेल में पढ़ाइए। नहीं पढ़ा सकते तो जब उसका मन है तब पढ़ाइए। उससे कहो कि बेटा तुम अपना टाइम टेबल खुद ही बनाओ। अगर तुम अपना टाइम टेबल खुद बनाओ तो तुम मुझे खुद बता दो कि तुम दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहते हो। वो तुम्हें खुद बता के, मम्मी मैं इतनी देर पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आज के टाइम में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई बहुत टफ हो चुकी है, क्योंकि मेरे भी दो बच्चे हैं। क्योंकि इन कोविड की वजह से मेरे बच्चे का, बेटी तो मेरी छोटी है लेकिन बेटा मेरा इस साल थर्ड में है, तो मैं समझ सकती हूँ पढ़ाई बहुत टफ है, क्योंकि उसकी स्टडी ऑलरेडी बहुत स्लो हो चुकी है। तो इसलिए मैं आप लोगों से विनती करूँगी कि आप लोग, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों से कि आप अपने बच्चों को समझिए। सबसे पहले आप अपने बच्चों को एक या दो दिन दीजिए, उससे दोस्ती कीजिए, उसको समझिए, उसके पास बैठिए और टाइम निकालिए, उसके पास उसके से पूछिए बेटा तुम पढ़ाई मन क्यों नहीं लगता। अगर वो तुम्हें खुद बताएगा मम्मी पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, पहले स्कूल जाते थे तो पढ़ाई करने का मन करता था, लेकिन घर में रह के पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, मेरा खेलने का मन करता। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप पहले अपने बच्चों को समझें, फिर उससे पढ़ाई का प्रेशर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ आगे नेक्स्ट मैं वीडियो में बताऊँगी कि आप लोगों को क्या करना है। ठीक, ओके, बाय।